killed, you know, the people around him and, you know, even one of his colleagues, because he was mentally not stable, you know, as the statements came out. Do you also feel that, you know, such initiatives should also be given to people who are on higher authority levels so that they're very clear where exactly their directions are? He was unstable but on duty, actually. Yeah, but, you know, the Army, the Navy, the Air Force, people on duty 24/7, the fire brigade, the firemen, the BMC, they're at their job 24/7. So I think from an individual perspective and from our perspective also, looking at them differently is also very, very important. You know, hum hamesha hame lagta hai ki yaar BMC apna kaam hi nahi kar rahi, ye log apna kaam nahi kar rahe, waise nahi hai, hum hamara kaam nahi kar rahe, hum agar wo kachra phekna chhod de, hum agar rules follow kare, hum agar signal na tode, hum agar तैनात हो as citizens, I think हम उनके लिए काम बहुत आसान कर देंगे. They are working non-stop. So we have to understand, empathize with them and work with them. I think that's important. I think जिंदगी ऐसे होगी क्योंकि हम social media पे अपनी जिंदगी बिता रहे, जो हम हैं नहीं हम उसको post कर रहे और गलत दिखा रहे, तो हमको लगता है हम हमारे एक्सपेक्टेशन से ही वी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आवर ओन एक्सपेक्टेशन. जो एक्सपेक्टेशन किसने दिखाया दुनिया को, यू नो, मैं खाता हूँ दाल चावल और पोस्ट करता हूँ कुछ और, वो क्यों? सो ये वर्चुअल वर्ल्ड से हम जितना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दुनिया है, यू नो, ये टेक वर्ल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लेकिन वो बैलेंस करना हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. यू नो, और हमें क्या खुशी देती है, आप बचपन बच्चों को देखिए, उन्हें क्या चीज़ें खुशी देती है, बाहर बारिश में खेलना, कीचड़ में जाके गिरना, हमें लगता है कि यार ये ख़राब है. लोग बोलते थे कि बेयर फुट चलना अच्छा नहीं है, कीड़े मकोड़े डिजीजेज हो जाते हैं, आज बोलते हैं ग्राउंडिंग है, वो आप ज़मीन से जुड़ जाते हो, आपके लिए अच्छा है. तो आई थिंक अगर हम वो सारी अच्छी चीज़ें इनक्रेज करेंगे, वो फ़र्क पड़ जाएगा. आई थिंक दैट्स वे हैप्पी कम्स इन, जहाँ आप बात कर सकते हैं लोगों से, क्या अपनी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं. इट डजंट हैव टू बी मेजर, इट कुड बी अ डिजीज, इट कुड बी अ स्मॉल प्रॉब्लम, और एहसास दिलाना कि एवरीथिंग इज गुड यार, अच्छा होगा. माँ बच्चा जो आते हैं, माँ और बाप के गले लगता है जब वो नाराज़ होता है, और उसे वो डोपामिन और वो सिक्योर फीलिंग होती मिलती है ना. आई थिंक लाइफ में, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसे सुधार लाई. अपनी खामियों को मैंने हमेशा सामने डाल दिया. आज शायद मैं हूँ जो मीडिया के सामने हर वो चीज़ बोल देता हूँ जो मुझे बोलना है, तो मेरे पे लोग डाउट कम करते हैं, वरना दूसरों पे डाउट ही रहता हमेशा. तो आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है कि जो हम हैं वो है, और दिखाना किसको है. मेरे कंधे पे कितना भार है वो मुझे ही मालूम. शायद ये कंधा थोड़ा मजबूत है इसलिए वो सह लेता है, लेकिन तकलीफें मुझे भी बहुत है. मैं उतना एंग्शियस आज नहीं होता खुद के लिए जितना मेरे बच्चों के लिए होता, जो सभी के साथ एक ही है. वी आर ऑल ह्यूमन. सो आई थिंक दैट दोज आर दी एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू लुक इनटू. एंड फोर्सेस, हम जिस वक्त अप्रिशिएट करना सीखेंगे, मैन इन यूनिफॉर्म, जब आप एक इंसान को इन यूनिफॉर्म देखते हो, जाके अप्रिशिएट कीजिए, शायद उसकी मेंटल स्टेट बदल जाएगी. हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं. यू नो, हम हमेशा कहते हैं यार सरकार ऐसी है, ये गंदगी है, वो गंदगी करता कौन है, हम करते हैं. सो लेट्स गेट सम सिविक सेंस इन अस, एंड ये वर्चुअल वर्ल्ड से हम अगर दूर रहें तो अच्छा रहेगा. कहना ये भी है ना कि बच्चे देख के सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते, तो एक दूसरे के लिए भी कुछ करें. BSF, आप देखिए ना, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं. आई मीन द BSF इज स्टैंडिंग एट दैट बॉर्डर तैनात, लेकिन हम उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं. जबकि आई फील सिक्योरिटी करना, ऐसी जगहों में रन ऑफ कच्छ में जाइए, आप बीकानेर में इंटीरियर्स में रेत में जाइए, खड़े हैं वो बच्चे, तो मेंटली कैसे होंगे? तो हमें एम्पथी, लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स देम, और हर इंसान बदलेगा. हर किसी को भी आज कोई जाके ग्रीट करता है या उसको अप्रिशिएट करता है. आप फोटोग्राफर्स हैं, आप उनको जाके मिलिए, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, वो प्यार आपको इमीडिएटली मिल जाता है. तो इट्स जो लोग, आई डोंट नो, यू नो, बहुत सारी चीज़ें, यू कैन गो ऑन एंड ऑन, बट
let's all create a happy space, is what I'm trying to say.